नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम युगों का दौर के अंतर्गत आज पढ़ेंगे दक्षिण भारत शांतिपूर्ण विकास युद्ध के तरीके। तो देखिए, दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फले फूले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता है। हमें पता ही है कि उत्तर भारत पर बहुत से आक्रमण हुए, लेकिन दक्षिण जो है इनसे बचा रहा, और यही कारण है चाहे सभ्यता संस्कृति हो या व्यापार वाणिज्य हो, हर क्षेत्र में दक्षिण भारत जो है वो फलता फूलता रहा और उसकी सुख समृद्धि जो है वो बनी रही। तो शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके हम देखेंगे। देखिए, बार बार के हमले और एक दूसरे के साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी ऐसे राज्य हुए हैं जो दो दो तीन तीन वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाण जैसे लोगों ने भी उत्तरी सीमा से आए थे और जल्दी ही इस देश की सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल, मतलब ये यहीं जज्ब हो करके रह गए हैं। और जब हम देखते हैं कि एक व्यापक सर्वेक्षण का संकेत भी हमें मिलता है, वो यही है कि अंग्रेजी राज्य ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की थी। अलबत्ता ये सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ, उस समय देश की अवनति की पराकाष्ठा पर था। अब देखिए, प्रगति बनाम सुरक्षा में हम देखेंगे कि भारत में जिस सभ्यता का निर्माण हुआ, वह मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं में कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ। वर्ण व्यवस्था या कहें कि संयुक्त परिवार पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की है। यह व्यवस्था अच्छे बुरे भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। मतलब हमारी जो संस्कृति है स्वयं से पर की ओर जाती है। हम कल्याण में भौतिकता को छोड़कर के आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं। अब तो इसी का हम देखते हैं कि समन्वय केवल भारत में नहीं है, भारत के में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य की प्रकृति के बीच भी हमने समन्वय का प्रयास दिखाई देता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन और मनुष्य और प्रकृति के बीच का हम समन्वय देखते हैं। राजनीतिक ढांचे में मूल स्वशासी जो ग्राम व्यवस्था है, या राजा आते जाते रहे पर व्यवस्था की नींव कायम रही। मतलब कहने का ये कि बहुत से राजवंशों ने यहाँ शासन किया ना, और उठापटक, एक कहें कि राजनीतिक उठापटक चलती रही, लेकिन जो ग्रामीण स्तर पर जो राजनीतिक ढांचा था, जिसे कहें कि ग्राम पंचायत और एक कहें कि जो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण व्यवस्था थी ना, जिसमें कहें कि गांव की जो छोटी सी ग्राम समुदाय को शासित करने वाली जो एक इकाइयों के बीच रूप में ग्राम व्यवस्था या स्वशासी ग्राम व्यवस्था, वो आधारभूत ढांचे के रूप में हमेशा ही विद्यमान रही। अतः ऊपरी लेवल पर अगर कितना भी, ऊपरी स्तर पर अगर कितना भी परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन मूल ढांचा जो था उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। और